नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। फेसबुक पर कट्टर हिंदूवादी पोस्ट डालने को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के युवकों पर हमला बोल दिया है। विशेष समुदाय के करीब 3 दर्जन लोगों ने पोस्ट डालने को लेकर जमकर मारपीट की है और सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर घेराव किया और वहीं विशेष समुदाय के दबंगों के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर भी दी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में पटाखे विक्रेता नाराज दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका माल 3 लाख का माल खरीद कर पड़ा हुआ था, लेकिन उनका 1 लाख का भी मुनाफा नहीं हो पाया है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं मथुरा से, जहां पर दिवाली के अवसर पर पटाखे जो विक्रेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी खरीदारी जो की थी उसका मुनाफा भी नहीं हो पाया है, बल्कि वो नुकसान में चल रहे हैं। अब की दिवाली ऐसी बनी कि कभी नहीं बनी कि जितने का माल लाए थे उतने का पूरे में पूरा माल नहीं बिक पा रहा, क्योंकि पिछली बार जो माल आया था उससे 35-40% बढ़ के माल आया था। और माल आने के बाद में कस्टमर लेना चाहता है 1000 रुपये के, 1000 रुपये में 2 डिब्बे आ पाते, इधर से ले उधर से ले, 1 पीस दे दे, 2 पीस दे दे, कार्टून और ख़राब हो जाते, पॉलीथीन देना, 15,000 जगह का किराया देना, 1500-2000 में लाइसेंस बनवानो, फिर लेबर रखनी, टेंट वाले को देने, लाइट वाले को देने, अब के कुछ नहीं है, वो अपनी मूलधन भी पूरा नहीं हो पा रहा। अलीगढ़ में देर रात महानगर की सेंटर पॉइंट चौराहे पर बाइकर्स गैंग से किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के विवाद में गैंग सदस्यों ने रामघाट रोड पर पूर्व AMU छात्र को घेर लिया और रंगबाजी को लेकर ही उस पर फायरिंग कर दी। इसमें पूर्व AMU छात्र के सीने में गोली लगी है और जबकि उसके साथी को पैर में गोली लगी है। दोनों को गंभीर हालत में JN मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती करवाया गया है और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद से निशानदेही पर ही हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए 3 टीमें गठित की गई थी। आपको बता दें कि वारदात की खबर पर SSPA और SP सिटी समेत तमाम आला अधिकारी JN मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और अलीगढ़ में ही SSP कलानिधि नेथानी ने बताया है कि चश्मदीद के अनुसार एक हमलावर युवक की पहचान कर ली गई है और जबकि उसके अन्य साथियों की पहचान के साथ ही धरपकड़ भी प्रयास जो है उसके लगातार जारी है। अभी रात्रि में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के उम्र लगभग 27 वर्ष JNMC मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्था में आए हैं। उन्हें गनशॉट इंजरीज हैं, एक के पाँव में और एक के अपर बॉडी में। उपरोक्त के संबंध में तत्काल टीमें रवाना की गई और पूछताछ में यह पता चला कि एक आरोपी समूह जो है उसके कुछ लड़के एक कार से आए थे और उनके द्वारा इन 2 लड़कों को घायल किया गया है और इन पर फायर किया गया था। और इसमें से एक लड़का तो पूरी तरह खतरे के बाहर बताया गया है, वहीं दूसरे का इलाज अभी वहाँ पर चल रहा है। इसमें यह भी बता दें कि जो हमलावर लड़के थे इसमें से कुछ के नाम जो है उनको तस्दीक किया जा रहा है और एक नाम प्रकाश में आया है, जिसके लिए टीमें तत्काल रवाना कर दी गई हैं। अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं CCTV कैमरा आदि देखे जा रहे हैं। शीघ्र इन जो हमलावर युवक हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फरुखाबाद में दबंग बदमाशों ने से युवक के साथ ही मारपीट की है और घायल युवक ने दबंगों पर तमंचे की बट से मारने का आरोप भी लगाया है। युवक का आरोप है कि करीब आधा दर्जन से ज़्यादा दबंगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जिससे युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोप ये भी है कि पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद ही वहां पर पहुंची, जिसके बाद ही स्थानीय लोग घायल अवस्था में युवक को चौकी लेकर पहुंचे और जहां पुलिस ने करीब 1 घंटे तक युवक को थाने के चक्कर कटवाए। अमेठी में मस्जिद के निर्माण को लेकर फर्जी तरीके से चंदा मांगना व्यक्ति को महंगा पड़ गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने व्यक्ति से उठक पठक की करवाई है और उसके साथ ही बता दें कि उससे उठक बैठक भी करवाई गई है और उसके उठक बैठक की सजा दी गई है। वहीं दर्जनों की संख्या में मौजूद लोग तमाशा देखते रहे और लोग पुलिस से शिकायत के बजाय खुद वहां पर तमाशा देखते रहे और पूरे मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
शाहजहांपुर के थाना अल्हागंज पुलिस ने नाम पर ही एक व्यक्ति से 500-500 रुपए वसूली करने वालों पर पुलिस से शिकायत करना भारी पड़ गया है। वसूली कर रहे आरोपी युवक के साथियों ने आतिशबाजी बेच रहे व्यापारी के भाइयों को बातचीत के बहाने नगर में मौजूद बस स्टैंड परिसर में बुलाकर पीट कर घायल कर दिया और आरोपी युवक और उसके साथियों ने युवक के कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने घटना में पुलिस पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाते हुए घटना की तहरीर दी है और वहीं यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष ने व्यापारी के साथ मारपीट की घटना और पुलिस का आरोपियों के साथ साठ गार्ड को लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से वार्ता कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हमें बुलाया सपन शर्मा ने, आकाश दीक्षित, आकाश दीक्षित ने बुलाया हमें और पूछा हमसे ये बात हुई। हमने कहा हमारे हमें कुछ पता नहीं, हमने अपने भाई छोटे भाई पर फोन लगाया, तब तक आकाश ने अपने बड़े भाई राजेंद्र को बुलाया और हम पे हाथ चलाया और सरकारी पिस्टल दरोगा जी की थी उनकी निकाल के हम पे तानी और दरोगा उनसे कहा कि हमसे कहा कि गोली मार देंगे हमारे। ऋषिकेश के गीता भवन में मौजूद भव्य पंडाल में गुजरात से आए नक्कू भाई जोधानी, जो कि जोधानी ब्रदर्स गुजरात सूरत के सुप्रसिद्ध हीरा व्यापारी हैं, जिन्होंने लगभग 500 लोगों के साथ आज सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर सेमिनार का आयोजन किया और गुजरात से आए भारी संख्या में लोगों के माँ गंगा के पावन तट पर इस आयोजन में शामिल हुए और इस सम्मेलन में कई मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही कथा का भी आयोजन किया गया है। सुंदर अवसर है आज हमारे जोधानी परिवार द्वारा, जो सूरत की एक बड़ी डायमंड की फैक्ट्री है, वो अपने सब वर्कर को लेकर यहाँ पर आए हैं 7 दिन तक और यहाँ पर रहकर वो सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें हम सेमिनार के रूप में अलग अलग जीवन में जीने वाली जो भी चीज़ हैं आवश्यकता है, जैसे संस्कारों का सिंचन, कैसे हम परिवार में रह सके, कैसे भक्ति कर सके, कैसे भगवान को हम अपने जीवन में ला सके और कैसे हमारा जीवन सुखमय बना सके, उसी संदर्भ में ये 7 दिन का आयोजन है। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नक्कूभाई रामजीभाई जोधानी, हमारो अमारू गाम सूरत, हम जन्मस्थल से सौराष्ट्र में अमरेली जिलो लाठी तालुको दुधाड़ा गाम यहाँ पर आए हैं। यहाँ आया एक अमने कुदरती प्रेरणा थी कि सब मारा वर्कर ने इधर लाएगा। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में मौजूद शराब कारोबारी पर शराब को ओवर रेटिंग में बेचने के आरोप लग रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल मांगे जाने पर उनको धमकाया गया है और कहा गया है कि जिससे शिकायत करनी है कर लो, आखिर शराब कारोबारियों को प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय व्यक्ति ने बताया है कि सामान खरीदने के एवज में जब उन्होंने डेबिट कार्ड से भुगतान किया और भुगतान रसीद यानी बिल मांगा तो बिल नहीं दिया गया और इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को करने के बाद भी फर्जी बिल दिया गया है। मैं अभी श्रीनगर ठेके में आया था तो मैंने उनसे कुछ सामान लिया तो मेरे द्वारा उनसे जो है कार्ड के द्वारा स्वैप किया गया, ठीक है, तो मैंने उनसे बिल मांगा तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को बोल दिया कि आपको जिसको मर्जी बुलाना है हम बिल नहीं देंगे, जबकि मेरे द्वारा कार्ड द्वारा स्वैप किया गया। वहीं ऋषिकेश में पुराने टिहरी बस स्टैंड के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। प्रथम दृश्य से आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने बताई जा रही है, मगर आसपास के लोगों में पटाखे की चिंगारी से आग लगने की चर्चा चल रही है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि फायर कंट्रोल रूम को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी और पुराने टिहरी बस स्टैंड के पास एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आग लग गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए घटना स्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस दौरान दुकान के ग्राउंड फ्लोर पर रखे सारे सामान जो कपड़े थे वो जलकर राख हो गए। भाई कपड़े की दुकान में आग लगी है, ये संभवतः अभी इलेक्ट्रिक आग लग सकती है और अभी इसकी जांच करेंगे, जैसा भी होगा वो आप।
कितना नुकसान हुआ लगभग? अभी तो ये लगभग ये दुकान वाले बताए गए, हम तो इसमें कुछ अभी लगभग बता नहीं सकते। कुछ सामान बचा है? सामान तो इसमें तो नहीं बचा, लेकिन ऊपर वाले बच चुका है। और आपके दोनों साइडों की दुकान सभी सुरक्षित और किसी दुकान में कोई नुकसान नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।